हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग और बहुत सारे हमारे वीडियोज अब चालू हो चुके हैं मिशन 2021 के लिए। प्लीज गाइज, कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों का कंग्रेचुलेशन बोलूंगा। जिन लोगों ने बीएचयू या अदर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है निराश मत बैठो क्योंकि हम लोग का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। जितनी भारी संख्या में जितने लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग बीएचयू पाठशाला पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बीएचयू पाठशाला का न्यू ऐप भी लॉन्च हो चुका है जो कि प्ले स्टोर पे अब अवेलेबल हो जाएगा 2 नवंबर से। और मेरे दोस्त जो डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वो उस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके वो ज्वाइन हो सकते हैं। आज मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूं बीएचयू 2021 के बीआर सोशल में जो लैंग्वेज पोर्शन आता है 30 क्वेश्चंस का, उसमें वो 30 क्वेश्चंस कहां से आते हैं। इस बार का गारंटी ये बड़ा बेहतरीन एक बात रही है हम लोग के सामने की 26+ क्वेश्चन जो चंदन सर ने हिंदी पढ़ाई थी वहां से क्वेश्चन फंसे हैं। तो एकदम उसी पैटर्न पे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक नया चीज जोड़ दिया है इस बार का हम लोग का, एक नया पैटर्न रहेगा कि पूरे 30 क्वेश्चंस हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 90 मार्क्स जो होते हैं कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चन जो निकल के आता है लैंग्वेज सेक्शन का, ये हमारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस हमारे कोर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर हम लोग ने सबसे मिनिमम अपना कट ऑफ रखा 180 तो 90 मार्क्स हमारे लैंग्वेज से आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूं कि जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहां पे कॉन्टेक्ट करें, बाकी का प्रोसेस उनको मैं कॉल पे समझा दूंगा। और मैं बेसिकली आज सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, तो ये पूरा सिलेबस है और सिलेबस की जो एनालिसिस है मैं आपको ग्राउंड लेवल की एनालिसिस दिखाना चाहूंगा किस तरीके से इसकी एनालिसिस हम लोगों ने कल रात को की है। ये देखिए पूरा का पूरा आपके जो पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसमें पूरे एक एक चैप्टर से एक एक टॉपिक से जो आने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने पूरा डिसाइड किया, और इस तरीके से फिर आपका बनके पूरा सिलेबस तैयार हुआ है। तो पर्यायवाची शब्द जो हो गया ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग कोर्स ज्वाइन रखे हैं उनको मैं ये पीडीएफ फॉर्म में उनको मिल जाएगा 1-2 दिनों में, उनके लिए परेशान नहीं होना है। बाकी आप सिलेबस को मेरे से सुन लो जिससे कि आप भी अपने पेज पे नोट डाउन कर लेना। होता क्या है जब खुद नोट डाउन करते हो चीजें बड़ी अच्छी से समझ में आ जाती है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द जो है वो हमारे यहाँ 1 से 2 क्वेश्चंस लगभग हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुहावरे और लोकोक्ति मैं सब बताऊंगा, कौन से मुहावरे पढ़ना है कौन से लोकोक्ति पढ़ना है, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा और आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। और यहाँ पे तद्भुत असम यहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चंस एकदम जैसे दुग्ध हो गया, घृत हो गया, घी हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत पॉपुलर है तद्भुत असम पूछे जाते हैं। समानार्थी शब्द भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संधि, संधि कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी संधि है इसमें, कौन सी संधि संधि विच्छेद क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। समाज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस। ये देखो कि हिंदी का ऐसा सिलेबस है ना, मैं हर जगह 1-2 बोलूंगा क्योंकि लगभग ये पेपर बनाने का जो तरीका है बड़ा ही बेहतरीन है। मतलब हर एक सेक्शन को 1-2 क्वेश्चन से टच करते हैं ये लोग। मैं अभी बताऊंगा कि मेजर पोर्शन हिंदी का कहां से टच होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो संधि इंपॉर्टेंट है, समाज, रस, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। छंद भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे पूछ देगा कि इंद्रवज्जा में कितनी मात्रा होती है, यड़ क्या होता है, ये सब ऐसे भी कुछ होते हैं। आपका दोहा, चौपाई, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अलंकार कितने प्रकार का होता है, अलंकार, अलंकार की वैरायटी। और फिर उसके बाद बर्तनी संबंधी क्वेश्चन, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे उज्ज्वल बहुत फेमस है, सैटेलाइट बहुत फेमस है, कवित्री बहुत फेमस है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ड जो है किस जो हमारा फेस है, जो हमारा बॉडी पार्ट है, कौन सा अंग उसमें यूज होता है, कौन सा पार्ट उसमें यूज होता है, आपने सुना होगा कंठ का, लिट का, होस्ट का, दंत का, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रचना एवं रचयिता, अभी आपको मैं इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करूंगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो पास्ट ऑफ स्पीच होता है, क्रिया विशेषण, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, आपको लग रहा होगा इतना बड़ा सिलेबस क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 30 क्वेश्चन कहीं से भी बाहर जाए सिलेबस से। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई वर्ड दे देगा पूछेगा इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका पुल्लिंग क्या होगा। वाक्य के भेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य के भेद मतलब कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, कोई वाक्य दे देगा इसमें वाक्य का कौन सा भेद है उसका नाम बताना होता है। यहाँ पे रचना और रचयिता मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया है, रचना और रचयिता जो मेरे दोस्त है वो रचना रचयिता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एवरी ईयर 8 से 9 पिछले 2-3 सालों का एनालिसिस मेरा रहा है, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन रचना और रचयिता से आ रहा, राइटर से आ रहा है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मेरी सबसे बड़ी गारंटी आपको ये रहेगी कि मैं जो आपको पीडीएफ और जो वीडियो आपको रचना रचयिता पे दूंगा वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ठीक है। चाहे इंशाअल्लाह खान हो, चाहे गोरखपुरी जी हो, चाहे हरिवंश राय बच्चन हो, चाहे जया बच्चन हो, कोई भी हो, पूरा चीज यहां हम लोग कवर करने वाले। तो मेरे दोस्तों ये हिंदी का सिलेबस, साथ साथ आपको इंग्लिश के सिलेबस अखिल सर और पीहू मैम डिस्क्राइब करेंगे,
पूरी टीम जो है आपको पूरा वर्क करते नजर आएगी। जो मैथ है इस बार का, दो लोग मैथ भी संभाल रहे हैं, हमारे वेदांत सर और चंदन सर। तो इस तरीके से पूरी की पूरी क्लासेज हमारी फॉर्मेट हो चुकी है। जो लोग भी इंटरेस्टेड ज्वाइन होने के लिए, साथ में पढ़ो, समझ में आ रहा है ना, साथ में पढ़ो। वो वाला यहाँ पे पैटर्न नहीं है कि एक बार पढ़ाया पूरा लिस्ट दे दिया पढ़ते रहो बोर हो जाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे साथ में पढ़ो, जब हर रोज आपको नोटिफिकेशन जाएगा, जब डेली आपको जाएगा अच्छा आज क्लास आई है, तो वो चीज हमेशा करेज करता है, पर डे करेज करता है। घर में भी बोल पाओगे ये बात कि आज मेरा लेक्चर आया है, आज मेरी क्लास है, ठीक है। वो वाला नहीं है यहाँ पे एक बार वीडियो शूट किया चलो हो गया पूरा 10-15 वीडियो, ऐसा यहाँ पे नहीं है। हर डे आपको जब नोटिफिकेशन जाएगा आपकी क्लास की प्राइवेट, तो आपको वो हमेशा करेज करता है कि आज आपको पढ़ना है, आज आपको स्टडी करना है, ये सब चीजें हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको सिलेक्शन की बात कर दूं, सिलेक्शन 150 प्लस रहा है, जिसमें हिंदी का वेटेज तो सबसे हिंदी की वजह से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो बाकी मैं हिंदी को इसलिए करेज कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड है हिंदी लेने के लिए, वो बाद में डाइवर्ट मत होना, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है कि कंफ्यूजन हो रहा है हिंदी ले इंग्लिश ले, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग से एक बार आवाज आई है हिंदी लेना है, फिर जुड़ जाओ। मैं बता रहा हूं हिंदी में कुछ नहीं पता होगा ना, तो यहां से भी शुरू करोगे ना, तो हिंदी में 20 से 25 क्वेश्चन कुछ नहीं आने पर सही करवा दूंगा, और जो लोग कुछ जानते हैं उनका 30 में 30 सही करवा दूंगा, ठीक है। तो बस आपको कॉपरेट करना है, लोगों को सजेस्ट करना है, जुड़ना है, बाकी चीजें छोड़ दो। अभी एनएफ टाइम है हमारे पास, और अभी यहां से हम लोग एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में क्रैश कोर्स भी लाया जाएगा, बीच बार से लगी ऑफलाइन क्लास भी 1-2 मंथ के लिए लास्ट में हम लोग वहां पर काउंट कर दिया जाएगा। मीन्स पूरा एक प्लान है, इस प्लान को हम लोग पूरा अच्छे से फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और सबसे गुड न्यूज ये है कि बीच पाठशाला का ऐप आ चुका है, यू पाठशाला, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी मेरे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो मैं ये बोलूंगा कि आप लोग परेशान मत होना, क्योंकि आपका न्यू प्रोमो कोड जनरेट होगा और वो प्रोमो कोड आपको मैं सेपरेट दूंगा, और उस प्रोमो कोड से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे। जो डायरेक्ट ज्वाइन होना चाहते हैं वो भी पहले एक बार कॉल करके डिस्कशन कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी आज 31 अक्टूबर है, तो अभी 2 दिन बाद आ पा रही है, इसलिए वीडियो था लास्ट पहले शूट हो रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग अभी जाकर सर्च करने लगो, तो थोड़ा सा परेशान मत होना, ठीक है। सो प्लीज जस्ट डू लाइक एंड डू शेयर एंड शेयर एंड सबको सजेस्ट करो, दोस्त यार मित्र फ्रेंड, अपने दुश्मन फ्रेंड को भी, इसी बहाने उसका भी भला हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे कोचिंग्स मिलेंगे लेकिन साथ में पढ़ने वाली कोचिंग्स नहीं मिलेगी, और इतना अच्छा सिलेक्शन कराने वाली कोचिंग नहीं मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे पूरा जो स्टूडेंट्स है ना, सब ये चुका है, सब पूरा का पूरा अपने पैशन अपने अपने चॉइस के हिसाब से पढ़ाता है। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि नहीं फोर्स किया गया है, बहुत ही मतलब एंटरटेनमेंट टाइप का है, चीजों को सीरियस प्रोफेशनल तरीके से देखते हुए वो अपनी चीजों को भी एनालिसिस करता है, अपने ज्ञान को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो ये सब चीजें आपको भी सिखाती हैं, हमें भी सिखाती हैं, ठीक है। बीएचयू का जो कोर्स है ना, बेसिकली वो बीएचयू का स्टूडेंट इसलिए उसको अच्छे समझता है ना, क्योंकि वो वहां पे पढ़ रहा होता है, उसको पता होता है चीजें कैसे फॉर्म होती है। कभी भी बाहर का कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग संस्थान बीएचयू की तैयारी के लिए तो मैं समझता हूँ परफेक्टेस्ट नहीं है, क्योंकि आप एक मैं जीता जाता एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि मार्केट में अरिहंत पब्लिकेशन किताब काफी फेमस, आपको पता होगा, लेकिन आप ही बताओ कि उस किताब को पढ़ने के बाद, क्योंकि हर साल उस किताब की मार्केटिंग मैं समझता हूं मिनिमम 10,000 या 1 लाख में जाती होगी उसकी बिकने की, तो क्या पूरे बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं, या आपने से कितने बच्चों ने उस वीडियो को बुक को खरीदा होगा, कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहा। उसी तरीके से होता क्या है ना कि इन लोग की एनालिसिस नहीं होती, अगर उस चीज को आप एनालिसिस करो, पढ़ो, फिर से आप उसको रिपब्लिश करो, न्यू प्रिंट करो, तब चीजें होती है ना भाई, उनको पता ही नहीं है सिलेबस का। और बीएचयू तो अपने पैटर्न को इस तरीके से बदलता है ना, जैसे क्रिकेट का मतलब होता है ना, वो पहचान अपनी बदलती रहती, मतलब ये हाल हो गया है, हर बार अपनी पैटर्न को चेंज करना, कभी ये सेक्शन ज्यादा देना, तो इसलिए मस्ट हो जाता है कि बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी करना पड़ेगा और उसमें जुड़ना पड़ेगा, उसके एनालिसिस से जुड़ना पड़ेगा। बाकी प्लेलिस्ट पे बहुत सारी वीडियोज है, माफ कीजिएगा इतना बड़ा लेक्चर देने के लिए, लेकिन आई होप कि आप बातों को समझ रहे होंगे। मैं चाहता हूं आप कहीं लूटो मत, आप एक प्रॉपर सही वे में जहां इन्वेस्टमेंट करो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, आपको मुनाफा होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको इतना लेक्चर दे रहा हूं, अदरवाइज कोई यहां पे दूसरा मीन नहीं था। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर, और प्लीज स्माइल करते रहिए। बाय बाय।